हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। अगर करना है इंग्लिश तैयार, देखना होगा स्मार्ट एजुकेशन GDR। सीधी सी बात है, अगर इंग्लिश तैयार करना है तो स्मार्ट एजुकेशन GDR को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको, आज वीडियो नंबर 22 है। ये इस वीडियो का नंबर है 22। ये 22 नंबर का वीडियो जा रहा है आज, और इसके पहले हमने 21 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप बड़े सीक्वेंस में देख लीजिए। अब मुझे इतना समय नहीं होता है कि मैं उसकी प्लेलिस्ट में डालूं उसको, या सीक्वेंस में या डिस्क्रिप्शन में डालूं। प्लेलिस्ट तो है स्मार्ट एजुकेशन करके, परंतु डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डाल पाता हूं, इतना समय नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस अभियान में वो साथ हैं। और शिक्षा प्रसारित करना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भी कुछ आता है, आप में भी कोई हुनर है, तो आप मुझे भी बताइए। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, दुनिया आइडिया से चलती है, तो बिल्कुल बिना इंतज़ार किए उसे लागू कर दीजिए। कहते हैं यह देश कभी भी खराब लोगों ने खराब नहीं किया। इस लोगों को कभी खराब लोगों ने बर्बाद नहीं किया कभी भी। जब भी इस देश को बर्बाद किया है, अच्छे लोगों की चुप्पी ने बर्बाद किया है। मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हैं तो बिल्कुल भी चुप मत रहिए। आप अपने स्तर पे क्या बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे कि मैं उच्च माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट टीचर हूँ, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहिए, और मैं पढ़ाता हूँ, और आप लोगों को काफ़ी लाभ है इससे। और ये अनवरत चलने वाला प्रोग्राम है, इसमें मैं कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ, आप देखते हैं, आपका भला होता है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि अब मुझे कोई पैसे की चाहत नहीं है ज़्यादा, ये बिल्कुल निःशुल्क है, और इसको आप देखते रहिए। और अच्छी चीज़ें तो बड़ी मुश्किल से लोगों तक पहुंच पाती हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो दूध बेचने वाला घर घर बेचता है, और शराब पीने वाले खुद ही ले आते हैं लाइन में लग के। तो यही बात है, अच्छा काम करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है, आपको भी आती है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो किसका पढ़ाई में मन लगता है? बोरिंग लगती है हमें पढ़ाई। लेकिन एक बात है, पढ़ाई उस दवाई की तरह है जो कड़वी तो होती है लेकिन स्वास्थ्य ठीक करती है, हेल्थ ठीक करती है, बुखार से राहत देती है। कहते हैं ना, मेडिसिन इज़ बिटर बट इट केयर्स दी हेल्थ। दवाई कड़वी होती है पर ये स्वस्थ शरीर को ठीक करती है। और अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो थोड़ी सी तकलीफें तो हैं। मैं जनरली कहता रहता हूँ, एवरीवन वांट्स टू गो टू दी हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता, और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है, तो आइए बिना देर किए आज हम इस लेसन को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल से किस प्रकार क्वेश्चन आंसर बनते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि मॉडल से क्वेश्चन आंसर की शुरुआत कहाँ होती है। जैसे आप कहीं अंदर आते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, या स्टेशन पे आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट में जो अनाउंसर होते हैं वो बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, या मे आई डिस्टर्ब यू, मे आई ओपन द डोर, मे आई क्लोज द डोर, मे आई गो नाउ, ये मे का उदाहरण है। इसी प्रकार मॉडल्स में कई प्रकार से प्रश्न होते हैं। आई एम क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। मे आई हैव वर्ड विथ यू, इसका मतलब है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? यस ऑफकोर्स, आप बोलेंगे यस ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल बात कीजिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको समझ में जाए। मे आई वर्ड विथ यू, तो आप क्या बोलोगे? यस ऑफ कोर्स, थोड़ा समझ में आ जाएगा, यस ऑफ कोर्स यू मे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स आई कैन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद है Could you tell me something about you? Could you tell me something about you? क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? जब कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है Could you tell me something about you? तो आप क्या बोलेंगे? Yes, of course. This is HR Kushwa in front of you. I have completed my post graduation. Recently, I have qualified the exam of grade 1 for English teaching. And now, I am a government teacher in higher secondary school, Khurshipar. Along with this, I am taking English class, extra class for my students. ऐसा कुछ मेरा परिचय हो सकता है, और इसमें मेरी हॉबी भी मैं बता सकता हूँ। My hobby is teaching, swimming, ठीक है ना, gardening, these are my hobbies, writing poetry, these are my hobbies. Understand? You may also write the same.
ठीक है, उसके बाद है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू, मेरी तबीयत ख़राब है मैं क्या करूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर व्हाट शुड आई डू। कोई व्यक्ति आपसे कहेगा तो आप उसे क्या सजेशन देंगे, भैया यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, या यू शुड गो टू डॉक्टर, या यू शुड टेक मेडिसिन, या यू टेक रेस्ट, ऐसा कुछ बोलोगे आप। तो हम इसी प्रकार यहाँ पे कर सकते हैं, यू शुड कंसल्ट विथ डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर से सलाह ले लो भाई, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो यू शुड कंसल्ट विथ डॉक्टर। बड़ा इजी है, इसलिए ज़्यादा लिखावट पे ध्यान मत दीजिए, बस आप तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने मन से भी आप क्वेश्चन आंसर इसमें लिखें, अगर रोज़ रोज़ ये काम करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अच्छा, बिना बताए या बिना इंस्ट्रक्शन के हम मन से पढ़ते कब हैं, ये बात है ना। आगे है वुड यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे, अगर आप ज़रूर आएंगे तो क्या बोलेंगे, यस आई विल कम, क्या बोलेंगे, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। अगला है मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, तो आंसर कितना देना, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, हाँ भाई चलो, यस ऑफ कोर्स यू मे, ठीक है। किसी ने पूछा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल चलिए आप मेरे साथ। अगला है कैन यू ड्राइव द कार, क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू ड्राइव द कार, तो क्या बोलेंगे, यस आई कैन, देखो कितना सिंपल है, यस आई कैन, हाँ चला सकता हूँ कार, कार चलाने में क्या है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, माइट आई लीव नाउ, इसका प्रयोग कब करते हैं, मैंने बताया था जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी हो, माइट आई लीव नाउ, आपको लगता है कि क्या पता आपका बॉस आपको छुट्टी देगा या नहीं, तब आप क्या बोलेंगे, माइट आई लीव नाउ, तो सामने वाला आंसर दे सकता है यस यू मे, यस यू मे लीव नाउ, बाकी जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि सामने वाले ने क्वेश्चन किया है तो आप जनरली ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। हाउ शुड बी अ फ्रेंड, एक दोस्त कैसा होना चाहिए, बताइए एक दोस्त कैसा होना चाहिए, तो देखिए अ फ्रेंड शुरू कैसे करेंगे, अ फ्रेंड शुड बी, अ फ्रेंड शुड बी, तो सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए भाई, अ फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट होना चाहिए कि नहीं, फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, कोऑपरेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, और हेल्पफुल होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए कि नहीं। जनरली क्या होता है, दोस्त जो है ऐसे ही होते हैं तभी तो हमारी दोस्ती होती है, परंतु कुछ दोस्त बन जाते हैं लेकिन थोड़े से वो सेल्फिश टाइप के होते हैं, परंतु दोस्ती में कोशिश ये रहे कि हम एक दूसरे के काम आएँ और स्वार्थ थोड़ा सा कम हो, ठीक है। दोस्तों के बारे में बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं लेकिन आज नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। तो दोस्त कैसे होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए, दोस्त कैसा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। चलो वाई कुडेंट यू कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए थे, तो आप बोल सकते हैं आई कुडेंट कम यस्टरडे, इसी में से बिकॉज, अब यहाँ से आंसर दे सकते हैं बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, एक बार अच्छे से लिख देते हैं वाई कुडेंट यू कम यस्टरडे, तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम कल नहीं आए थे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वेयर शैल वी गो नाउ, अब हम कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो नाउ, तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे, तो जहाँ भी हम जाना चाहते हैं वहाँ लिख देंगे वी शैल गो टू मुंबई, ठीक है, वी शैल गो टू मुंबई, हम मुंबई जाएंगे, या वी शैल गो टू पिकनिक, वी शैल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे, या वी शैल गो टू होम, जहाँ भी हमें जाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, तो क्या हो जाएगा, यू शुड, हम आंसर क्या देंगे, यू शुड वॉच, कौन सा चैनल देखना है भाई, स्मार्ट एजुकेशन, कौन सा देखना है, यहाँ लिख दे रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन GDR, यू शुड वॉच स्मार्ट एजुकेशन GDR, आपको क्या देखना है, स्मार्ट एजुकेशन GDR देखना है। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो इंग्लिश में आप ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि आप स्मार्ट एजुकेशन GDR को देखें,
एक ही मात्र तरीका है। फिर है हाउ वुड यू लेट मी टेक स्नैप विथ यू, क्या आप मुझे आपके साथ फ़ोटो लेने दोगे, वुड यू लेट मी टेक स्नैप विथ मी, यस ऑफ कोर्स, तो क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते, यस ऑफ कोर्स ले लेने देंगे, फ़ोटो ले लेना, कितनी फ़ोटो चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है शुड इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, तो आप इसे अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो यस, या फिर आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई थिंक व्हेन एनी कंट्री अटैक ओवर एनी अदर कंट्री, सो आई थिंक दैट इट क्रिएट्स अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ओके, बड़ा विनाश होता है कोई देश, तो ये नीतिगत मामला है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। तो आप इस पर हो सकता है ये कह देंगे नो कमेंट्स, ठीक है, या आप कह सकते हैं नो इंडिया शुड नॉट अटैक ऑन पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग जो है इंडिया शुड नॉट अटैक ऑन पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग जो है शांति प्रिय लोग हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, वसुधैव कुटुंबकम्, ऐसी हमारी विचारधारा है, ऐसी हमारी फ़िलॉसफी, हमारा दर्शन है, हम पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मानते हैं, इसलिए भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि भारत को किसी देश पर आक्रमण करना चाहिए, और ये इतिहास रहा है, भारत ने अभी तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि हम शांति प्रिय धर्म के लोग हैं, शांति प्रिय देश के लोग हैं, हम बुद्ध के देश के लोग हैं, जहाँ पर शांति का संदेश दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट कैन यू डू फॉर दिस कंट्री, आप इस देश के लिए क्या कर सकते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा आई कैन डू एवरीथिंग फॉर दिस कंट्री, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर दिस कंट्री, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर दिस कंट्री। किसी ने पूछा क्या देश के लिए मर सकते हो, तो आप बोलोगे मरना बहुत मामूली बात है देश के लिए, मैं तो देश के लिए इससे भी और कुछ बड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है व्हाट शुड बी हैव फॉर सक्सेस, सफल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, वी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, पर जो प्राइमरी है वो है नॉलेज, हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है सफल होने के लिए, अगर आपको ज्ञान है तो आप ज़रूर ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे, ठीक है। अगला है शैल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी बनाऊँ, तो आप क्या बोलोगे, नो थैंक्स, क्या बोलोगे, अब आप सोचोगे यार सर परेशान होंगे, तो आप क्या बोलोगे, नो थैंक्स प्लीज़, जी नहीं धन्यवाद, नो थैंक्स प्लीज़, अगर आपको पीना है तो बोल दो यस, है ना। फिर ये भी बोल सकते हो सर आप रहने तो मैं ही बना लूँगा, ये भी बोल सकते हो आप चाहो तो। कुड यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट योर फैमिली, यस ऑफ कोर्स, तो आप इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं एज़ फार एज़ माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, या यहाँ से कर सकते हैं सर देयर आर फाइव मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई यंगर ब्रदर, माई सिस्टर एंड मी, माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई यंगर ब्रदर इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माई सिस्टर इज़ मैरिड बट सी इज़ ऑल्सो द मेम्बर ऑफ माई फैमिली एंड आई एम अ टीचर, कुछ भी आप बोल सकते हो इस टाइप से, ठीक है। हु माइट हैव लिटर दिस फ्लोर, हु माइट हैव लिटर दिस फ्लोर, यह फ्लोर किसने गंदा किया होगा, तो आप बोल सकते हो एनी स्टूडेंट, क्या बोल सकते हो, एनी स्टूडेंट, और बाकी सब वही का वही, एनी स्टूडेंट्स माइट हैव लिटर दिस फ्लोर, किसी विद्यार्थी ने किया होगा, चलो ठीक है। अगला है हाउ कैन यू से दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर लर्निंग इंग्लिश, हाउ कैन यू से दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई कैन से विद प्रूफ बिकॉज आई हैव सीन नंबर ऑफ बुक्स इन द मार्केट, बट दिस बुक हैज़ द एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग बेसिक टू एंडिंग एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस बुक, दिस बुक कंसिस्ट ऑल द थिंग्स बेसिक टू एडवांस, ओके, वेयर वी कैन लर्न इजिली, दैट इज़ वाई आई कैन से दिस बुक इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई हैव रेड दिस बुक मैनी टाइम, या आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लॉन्ग टाइम एंड आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस, आई कैन से दिस बुक इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड,
मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह किताब दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। तो आप भी ऐसे ही धीरे धीरे बोलना सीखें, मुझे उम्मीद है आप सीख जाएंगे। और हमारा जो अगला लेसन है उसमें हम वोकैबुलरी पे बात करेंगे, इसलिए आप जो है वीडियो नंबर 22 ज़रूर देखिएगा। अगला जो वीडियो है वो 23 वीडियो आएगा, पेज तो 22 है लेकिन वीडियो 23 आने वाला है, ठीक है। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।